हाय एवरीवन दिस इज़ वोनिका आज का टॉपिक है हम पढ़ेंगे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग एरिया इसको एंटार्टिका में डिस्कवर किया गया है इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये लार्जेस्ट ब्रीडिंग एरिया कैसा है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर बिकॉज आई फील टिका दो विक मेक का हीज डिफरेंस चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पी आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा आप प्रिंट मीडिया में भी रिसर्च पेपर्स में भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं ऑलमोस्ट मैं जान की ये न्यूज़ है कि लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग जो है एरिया वो डिस्कवर हुआ है एंटार्टिका में अब देखो ब्रीडिंग एरिया से हम क्या समझते हैं हम कैसे बता सकते हैं कि कोई एरिया ब्रीडिंग एरिया है कि आपको वहाँ पर फ़िश के यंग वंस मिलेंगे उसके दिए हुए एग्स का क्या प्रोसेस है या फिर नेस्ट्स uh, एग्स नहीं भी होंगे तो यू कैन से कि नेस्ट मिलेंगे जहाँ पे वो अपने यंग वंस को रखेगी तो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नेस्ट दिखेंगे वहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं दैट दिस प्लेस इज़ अ ब्रीडिंग एरिया जैसे अभी हमने रिसेंटली uh, एक वीडियो पढ़ी थी uh, बनाई थी ग्रेट एडजुटेंट स्टॉक के बारे में वैसे उसका एटी पॉपुलेशन आपके ब्रह्मपुत्रा वैली इंडिया में है लेकिन और थोड़े समय पहले अराउंड 2006-7 में देखा गया बिहार में भागलपुर एरिया में उसके ब्रीडिंग एरियाज पाए गए क्योंकि वहाँ पे उसके क्या थे नेस्ट थे तो नेस्ट से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसी एनिमल का किसी मैमल का कुछ भी बोल लीजिए किसी बर्ड का नेस्ट जहाँ पे मिलेंगे वो ब्रीडिंग एरिया है तो यही चीज पता चली है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग ग्राउंड किसी भी फिश के लिए लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड कहां पे डिस्कवर किया गया एंटार्क्टिका में और कितना बड़ा है अराउंड सिक्सटी मिलियन आइस फिश तो यहाँ पे आइस फिश के नेस्ट मिले देखिए ये चीज मैं आपको बता रही थी कि, कि कैसे पता लगाएंगे नेस्ट से तो सिक्सटी मिलियन इज नंबर सिक्सटी मिलियन आइस फिश नेस्ट आपको इस एरिया में ओशन फ्लोर में मिले हैं साउथ ऑफ़ द वेडल सी में ये डिस्कवर किए गए हैं सो यू कैन सी दिस इज़ अ वर्ल्ड मैप एंड ग्लोब पे ऐसा दिखेगा दिस इज़ योर एंटार्क्टिका तो एंटार्टिका आपको वैसे ही पता है आइस से कवर्ड रहता है और यहाँ पे वैसे भी अगर हमें किसी तरह की लाइफ मिलती है दो लाइफ एग्जिस्ट देयर अलग अलग एरियाज़ में इतनी ठंडी में तो वो एक रिसर्च का पॉइंट बन जाता है सो दिस इज़ एंटार्टिका एंड दिस इज़ हियर सी तो उसके साउथ में आपको ये मिला है यहाँ पे देखिए ये रॉस सी है दिस इज द वेडल सी तो वेडल सी वाली तरफ दिस इज द एरिया साउथ ऑफ द वेडल सी जहाँ पे आइस फिश की कॉलोनीज माना जा रहा है डिस्कवर की गई हैं और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग ग्राउंड हो सकता है अब देखिए थोड़ा सा इस एरिया के बारे में जानते हैं नेस्ट वो कॉन्सेंट्रेटेड इन 92 टू माइल एरिया तो कितने एरिया में ये कॉन्सेंट्रेटेड थे ने? नेस्ट जो थे 92 टू माइल एरिया ये कैटरिंग जो आप देख रहे हैं ये एक टाउन है इंग्लैंड में उससे कंपेयर किया गया है कि उस टाउन जितना जितना इंग्लैंड में कैटरिंग टाउन है उतने एरिया में नेस्ट आपको मिले हैं और कुछ एरिया में टू पर स्क्वायर मीटर भी आपको दिखेगा हर नेस्ट में अराउंड ट्वेंटी फाइव एक्स जो है वो देखे गए सो दिस इज द डेटा जो मिला है वहां से अब जो रिसर्चर्स हैं जर्मन रिसर्च वेसल पोलर्स टर्न पे उनको दे हैव कम अक्रॉस दिस ब्रीडिंग ग्राउंड उन्होंने ये देखा ब्रीडिंग ग्राउंड है एंड दैट टू बाय एक्सीडेंट ऐसा नहीं है कि वैसा कुछ ढूंढ रहे थे एक्सीडेंटली उनको दिखा कि भाई ये क्या है एंड दे फाउंड ओ माई गॉड इतने सारे नेस्ट यहाँ पे फिश के हैं uh, वो अपनी रूटीन ऑब्जरवेशन ले रहे थे जैसे रूटीन जो काम वो करते हैं कर रहे थे कैमरा के साथ तो उनको 535 फाइव मीटर पानी के नीचे ये नेस्ट जो हैं वो मिले अब देखिए एल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट है जो एक्सप्लोर कर रहा है अब हर सी को कहीं ना कहीं रिसर्चे आपकी चल ही रही हैं तो दिस इंस्टीट्यूट इज वर्किंग इन द वेडल सी नाइनटीन से ये तब से इनको डिस्कवर नहीं कर पाए और अब इनको स्मॉल पहले भी इनको स्मॉल क्लस्टर नेस्ट के मिले थे बट इतनी बड़ी मात्रा में नहीं मिले थे नाइनटीन से ये इंस्टीट्यूट यहाँ पर काम कर रहा है और जो एरिया है ब्रीडिंग ग्राउंड का रिसर्चर्स इसको uh, मान रहे हैं कि इसको अप Welling कहा जाता है अपवेलिंग क्या होता है कि एक प्रोसेस है जब कोल्ड वाटर आपका ऊपर आ जाता है सरफेस पे आ जाता है और नीचे वाले पार्ट्स जो हैं वो थोड़े गर्म रहते हैं कंपेरेटिवली ऐसा आप जितना पानी हमारे यहाँ पे गर्म होगा अंटार्टिका में उतना नहीं होगा बट कंपेरेटिवली आप देखेंगे कोल्ड वाटर ऊपर आ जाएगा और नीचे वाले एरियाज थोड़े वार्म रहेंगे जिस एरिया में इन्होंने ने नेस्ट देखे हैं अब ये पॉपुलर डेस्टिनेशन है वेडल सील्स के लिए भी यहाँ पे आपको वेडल सी में जो सील्स हैं इस एरिया में सील्स भी मिलेंगे तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सील्स आखिरकार क्यों आएंगे इस एरिया में डेफिनेटली फॉर फूड और एज़ फूड दे वांट आइस फिश तो ऐसा उन्होंने कोई प्रूफ नहीं मिला उनको बट दिस इज़ देयर ऑब्जर्वेशन कि इस एरिया में सील्स पाए जाते हैं वेडल सील्स पाए जाते हैं तो प्रोबेबली दिस इज़ द रीज़न कि वेडल सील्स यहाँ पे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सील्स को यहाँ पे ट्रैक किया नाइन्टी परसेंट डाइविंग उन्होंने देखा इन नेस्ट के अराउंड इन सील्स की रहती है और ये सील्स एक प्रॉक्सिमिटी में इन फिश नेस्ट के पास अपना टाइम बिताते हैं और रिसर्च ने देखिए क्या देखा आ, कि ये जो एरिया है जहाँ पे नेस्ट है यहाँ पे थोड़ा अनयूजअली वार्म पैच ऑफ डीप वाटर है कि यहाँ पे अगर आप अंटार्टिका के बाकी रॉस सी वेटल सी आगे पीछे जितना पानी है उससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो पानी है कम्पेरेटिवली थोड़ा वार्म है कितना डीप सी में सरफेस पे तो नहीं डीप सी में थर्टी फाइव डिग्रीज फेरनहाइट प्रैक्टिकली मतलब आप कंपेरेटिवली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओके okay? और रिसर्चर्स ने ये भी देखा कि ये मरीन कंजर्वेशन जो है इस एरिया में अंटार्कटिका के हम इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि ये जो इनको नेस्टिंग एरिया मिला है ये एक यूनिक ग्लोबली आप मानेंगे यूनिक इकोसिस्टम है जो रिसर्चर्स को मिला है अब इसको किसके अंडर प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है कह रहे हैं कि हम यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे एक रीजनल मरीन प्रोटेक्टेड एरिया सदर्न ओशन में किस कन्वेंशन के अंडर ऑलरेडी एक कन्वेंशन आपकी चल रही है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंटार्टिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज तो ये कम्बरेला कन्वेंशन है इसके अंडर इसको जो प्रोटेक्शन है वो हम दे सकते हैं कंजर्वेशन इम्प्रूव कर सकते हैं अब जैसे मैंने आपको कहा कि सील्स यहाँ पे मिले तो यहाँ पे यही चीज़ इस स्लाइड में लिखी है कि अब देखिए जो आइस रहती है अंटार्क्टिका में बहुत पूरे साल ही या सी की बात कर लीजिए पूरे साल ही जो पानी है वो आपका सी आइस से भरा रहता है लेकिन बहुत ज्यादा थिक सी आइस नहीं रहती रिलेटिवली थिन है थ्री फीट थिक आपको यहाँ पे मिलेगी इस अब थ्री फीट थिक होने का मतलब कि पानी है नीचे है ना ऊपर आपकी आइस से भरा है लेकिन वो ज्यादा थिक नहीं है आइस थिन uh, है थ्री फीट है तो दैट मीन्स यहाँ से जो सन की रेज हैं पास हो सकती हैं और सन की रेज अगर पानी में कहीं पे जा रही हैं उसका क्या मतलब है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है हो सकता है व्हेन यू मीन व्हेन यू टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस, मतलब वहाँ पे इस तरह के प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं तो यानी लाइफ कैन थ्राइव यहाँ पे लाइफ बहुत ईजिली ड्राइव कर सकती है और वैसे भी वेडल सील का जो फ्लोर है फ्लोर की बात करें नीचे तो वो बैरन नहीं है वहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं सी ऑक्टोपल स्टार फिश आपको कोई ना कोई जानवर इस तरह के वहां पे मिलते ही हैं सो इट्स नॉट बैरन 2000 सील्स भी इस एरिया में रहती हैं डाइव करती हैं उनका भी ब्रीडिंग एरिया है फीड करती हैं आइस फिश में तो जैसे मैंने बताया इसका एविडेंस नहीं है हमारे पास बस दिस इज व्हाट दे आर एक्सट्रापुलेटिंग यहाँ पे उनको अगर आइस फिश के नेस्ट मिले तो वो इसका अंदाज़ा लगा रहे हैं कि सील्स इसलिए यहाँ पे होंगी और यहाँ पे फ्रेश वाटर फिश इस तरह के जो नेस्ट हैं इस तरह के स्पीशीज़ के फ्रेश वाटर फिश के ये उनसे मिलते जुलते हैं इनके नेस्ट और लेकिन इस तरह की कॉलोनीज इतने डीप सी में पहले नहीं देखी गई तो यहाँ पे हम बार बार आइस फिश के बारे में बात कर रहे हैं जिसके नेस्ट देखे गए तो आइस फिश के बारे में जानते हैं आइस फिश एक यूनिक ग्रुप है देखिए जब भी हम कोई नई स्पीशीज डिस्कवर करते हैं खैर आइस फिश इज नॉट अ नई स्पीशी बट आइस फिश के बारे में जान के आपको कुछ कुछ हैरानी होगी कि देखिए एवोल्यूशन किस तरह काम करती है हम किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम हो गए ह्यूमन बींग्स हो गए या कोई और जानवर है किस तरह से इवॉल्व हो रहा है तो दैट इज़ वेरी नाइस टू नो अब आइस फिश एक यूनिक ग्रुप है फ़िश का जो अंटार्क्टिका में पाया जाता है और इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल अडाप्टशन इसके अडाप्टशन देखेंगे तो आपको लगेगा इतनी ठंड में कोई फ़िश रह रही है तो कैसे रह रही है फ्रीज़ क्यों नहीं हो रही uh, अब बेसिकली क्या है उसके यहाँ पे इस तरह की अडाप्टशन हैं कि वो फ्रीज़ नहीं होती आइस लेडन वाटर्स में साउथ ओशियन में आ, वो पाई जाती है लेकिन उसका ब्लड फ्रीज नहीं होता अब उनमें स्विम ब्लैडर नहीं है वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे ओशन फ्लोर पे रहती है और सर्वाइव कैसे करती है इतने ठंडे पानी में क्योंकि उसकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं एंटी फ्रीज प्रोटीन्स अब किसी में अगर एंटी फ्रीज प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो ठंडे जितना भी ठंडा पानी है वहाँ पे रह सकता है उसके ब्लड में एंटी फ्रीज प्रोटीन्स हैं जो उसके सेल्स को फ्रीज नहीं होने देते सो दिस इज वन वेरी यूनिक अडाप्टेशन ओके जिसकी वजह से वो वहाँ पे सरवाइव कर रही है उसके बाद देखिए एंटार्टिक वाटर की एक खासियत है कि एंटार्क्टिक वाटर में ऑक्सीजन कंटेंट बहुत अच्छा है अब ऑक्सीजन कंटेंट अच्छा होने का मतलब है कि अगर इस आ, आ, फिश में हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन क्या होता है एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन रेस्ट ऑफ द बॉडी में लेके जाती है हम में भी हेमोग्लोबिन होती है लेकिन इस फिश में हेमोग्लोबिन बहुत कम है नाक के बराबर है बट इतनी कम हेमोग्लोबिन के बाद भी ये सरवाइव करती है ये भी इसकी अडाप्टेशन है क्योंकि एक तो इसके जो गिल्स हैं वो काफ़ी या लंग्स जो आप कह लीजिए काफ़ी बड़े होते हैं अपनी स्किन से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती है लार्ज वॉल्यूम ब्लड का इसमें रहता है लेकिन ट्रांसपेरेंट ब्लड रहता है दैट इज़ वाई वो वहाँ पे इजीली सरवाइव करती है देखिए ब्लड इसका ट्रांसपेरेंट है कलर में इनमें इनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं है उतने हेमोग्लोबिन नहीं है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर पाए तो ये इसमें एक एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन है ऑब्वियसली इट्स नॉट अ हैप्पी एवोल्यूशन मतलब खुशी से नहीं हुई है एडजस्ट करने के लिए हुई है बट दिस इज यूनिक कि ऑक्सीजन अपने स्किन से एब्जॉर्ब करती है इनके ह्यूज हार्ट्स हैं अगर हार्ट देखेंगे जो पंप करता है काफ़ी ह्यूज हार्ट्स हैं ये 90 मीटर की डेप्थ से 200 मीटर की डेप्थ पे भी आपको मिलेगी सो दिस इज ऑल की लार्जेस्ट ब्रीडिंग सेंटर फिश का मिला है इसका क्या मतलब है और आइस फिश के बारे में हमने जाना क्वेश्चन है फॉलिंग डिस्कवर द मेन लैंड ऑफ अंटार्टिका इन एटीन ट्वेंटी फेबिन वॉर्न वेलिंगशॉसन रामचरण जी जेम्स कुक मिखेल लजारेव तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम पे बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए कोर्सेज ई पे भी अवेलेबल है थैंक यू सो मच